मैं स्वागत करता हूँ कि आप कोई पब्लिक शो के लिए नहीं आए हो, पब्लिक को क्लिक करने के लिए आए हो, आप एक जेन्युइन कॉज है एम्प्लॉय का, इसके लिए आप आए हो, आपका धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए हम लोग में कुछ उचित ना हो, यहाँ आगे लिए गवर्नमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट में भी आया, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वो लेकिन वो सुने ये सारा चीज़। हमारे साथी बहना ताराबाई ने, केरकर जी ने, हमारे यहाँ के लोकल स्टेट के नेता जितेश जी कामत, इन्होंने जो भी बात की, जो एम्प्लॉय के पेन है, जो एम्प्लॉय की दिक्कत है, ये सारी आपकी माध्यम से आपके कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट के मामले सीबीआई के डिपार्टमेंट के तहत आप गवर्नमेंट को सौंप दीजिए। और इसकी आज के आज़ाद मैदान में जो जो बातें हुई इसका मिनट करे पुलिस डिपार्टमेंट, मीडिया तो करेगी कहीं, वो सारे लोगों के लिए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट सुने, वो लिखे और वो सारे अपने डिपार्टमेंट को सपोर्ट करे कि यहाँ पे क्या पेन है, किस दर्द के लिए सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और किस कारण के लिए जमा हुए। तो मैं समझता हूँ कि इतनी हमारी आपको रिक्वेस्ट है हमारे पुलिस साथियों का कि ये हमारे लिए आप एक छोटा काम करिए। अभी मैं मेरे यहाँ पे जिस काम के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ उसी के ऊपर बात करता हूँ। साथियों, ये सारा जो भारतीय कामगार सेना के अंडर जो सिप्ला कंपनी के सारे हमारे साथी यहाँ जमा है, ये किस कारण है? ये एकमेव राज्य ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में जहां में आज एस्मा एक्ट लगा है। ये एक्ट क्या है कि फार्मा इंडस्ट्री में जो भी मजदूर काम करते, वर्कर काम करते, जो भी काम करते, इन्होंने कौन से भी मुक्त वक्त पे स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। आदमी स्ट्राइक कब करता है? जब उसको दिक्कत होती तो स्ट्राइक करता है ना, या कि आपकी आवाज बंद करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मेहनत से, उनकी कलम से लिखा हुआ कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें हमको जो अधिकार मिला है व्यक्ति स्वतंत्र का हो, हमारा मत मानने का हो, हमारी संगठन बनाने का हो या हमारी संगठन के मार्फत से बात करने का हो, तो यहाँ पे उन्होंने जो भी सेक्टर है वो पहले पब्लिक सेक्टर में जो जो चीज आती थी, पब्लिक सेक्टर तो हर स्टेट में है, ये स्टेट में भी है, सिर्फ गोवा स्टेट ने कंपनी के हित के कारण यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड करवाया। अगर मेस्मा लगता तो पब्लिक सेक्टर में लगता तो फिर उसमें मेस्मा नहीं, ये फैक्ट्री नहीं आती थी, और ये सिर्फ सिप्ला के लिए किया गया है। गोवा में इतनी फार्मा कंपनीज है, वर्ल्ड रिलेटेड वर्ल्ड नोम्ड फैक्ट्रीज है, लेकिन ये कोई फैक्ट्री में कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, ये सिर्फ सिप्ला में लोग मजदूर एक जगह आए अपनी बात को रखने के लिए फोरम में, कानूनी कारण यहाँ पे सिर्फ मदद करने के कारण सिप्ला कंपनी को मदद मिले, इस कारण कोविड से लगाया हुआ मेस्मा एक्ट हर छह महीने अभी असेंबली के बाद में भी 6 महीने के लिए बढ़ाया, इसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। पहले तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये पहले गवर्नमेंट ने पीछे लेना चाहिए, ये हमारी मांग है, लेकिन ये मांग पे हम लोग यहाँ पे रुक रहे नहीं है। भारतीय कामगार सेना मेस्मा एक्ट अगर गवर्नमेंट ने, यहाँ के सीएम ने अगर पीछे नहीं लिया तो ऑलरेडी इसके बारे में हाईकोर्ट ऑफ गोवा मुंबई बेंच के सामने हम लोग ऑलरेडी पिटीशन फाइल किया है। ये ऐसे समझे कि हम अगर नहीं करें और ये लोग हमारे पास जस्टिस के लेने आए तो हम कानूनी जस्टिस भी मांगेंगे। हम लोग इस ऑर्डर को चैलेंज किया है, ये आपके सामने आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्यों है? क्योंकि हमें हर एक का राइट प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ लेबर ऑफिस की बात हुई, जो 17 महीने से एक ही कुर्सी पे बैठा हुआ है, 17 साल से एक कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी सतीश वालोनकर, कानून हमको कहता है कि एक बार एम्प्लॉय ने अपनी मांगे कंसिलेशन ऑफिसर के बाद दे दी, उसको एडमिट किया, तो कोई वर्कर को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते ना ट्रांसफर कर सकते। हर कानून की धज्जियां उड़ारी जा रही है यहाँ पे, ये किसके बलबूते जा रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ का सरकार और सिप्ला का क्या रिलेशन है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और ये ओपीजल से जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो दिख रहा है, हम अभी कोई रकम नहीं कोट कर रहे आपको, लेकिन आप जानते हो, आप जा सकते हैं, आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जिसको चाहिए। सिप्ला कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से
कौन से पार्टी को कितना पैसा दिया और सबसे ज्यादा पैसा कौन से पार्टी को गोवा में मिला, तो आपको पहला नाम पता आएगा जिस पार्टी के गवर्नमेंट के सीएम यहाँ पे बैठे। वो रकम छोटी नहीं है मेरे साथियों, वो रकम करोड़ों में है। अगर ये वर्कर का कहीं सोड़ा छून लेते तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा नहीं, एक 5-50 लाख या 2 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर बोझ जाता। लेकिन वो भी डिमांड हमने नहीं की, ना हमने आज तक एक स्ट्राइक नोटिस दिया है कंपनी को। फिर स्ट्राइक नोटिस नहीं है, वर्कर ने अपनी मांगे रखी है, फिर विदाउट देर इज अ हार्मनी डिस्टर्बेंस, हाउ कैन दिस गवर्नमेंट गोज ऑन एम स्मैक ऑन व्हाट ग्राउंड? देर इज नो जस्टिफिकेशन विद दिस गवर्नमेंट व्हाई दे आर अप्लाइड एस्मा एक्ट ऑन दिस स्टेट, एंड इट इज ओनली वन कंपनी इज प्लेइंग अ रोल अक्रॉस द चेंबर ऑफ गोवा कॉमर्स, और उनको जाके मिलते मिलते इसको दबाव लाए। इसमें मुझे पता जो चला, चेंबर ऑफ कॉमर्स से कई कंपनी के इंडस्ट्रीज के लोग थे, उन्होंने कहा कि देयर इज अ बेस्ट यूनियन वी आर सीन सच टुडे, द इंडस्ट्रियल रिलेशन इज मेंटेन बाय भारतीय कामगार सेना एंड वी वेलकम भारतीय कामगार सेना, दैट्स व्हाई वी हैव साइन अ सेटलमेंट विद दिस सच यूनियन एंड वी आर ऑलरेडी इन सेटलमेंट। और वहाँ पे कंपनी ने हमारे साथ में सेटलमेंट किया है, देयर इज अ वेल हार्मनी गोइंग अंडर दैट फैक्ट्री, none of the employees are painful, none of the management complaint is, the only on the egoisticness this Cipla come on a egoisticness ne unko itna ego hai ki hamare factory mein union nahi chahiye, iske liye wo jo chahiye usko khareed sakte, jo chahiye usko piche bhag sakte, ye sara cheez ho gaya. Is bare mein yahan ke virodhi paksh neta wale mao ji captain mp yahan ke jo hai virato ताराबाई किरकर जितेश जी, ये सारे लोग और सरदेसाई जी, ये सारे लोगों ने जब यहाँ पे हाउस चल रहा था उस टाइम इस वर्कर के पीछे उभरे। जैसे जितेश ने यहाँ कहा, इन्होंने कहा इंक्वायरी बिठाई, क्या इंक्वायरी का रिपोर्ट आया? ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। मैं वो भी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ, शायद आपको बात सुन के हैरानी होगी, जो 2 एम्प्लॉय की डेथ हो गई बॉयलर के अंदर, ये बॉयलर एंड फैक्ट्री सेफ्टी के बारे में भारतीय कामगार सेना ने कई कंप्लेंट, फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है यहाँ पे उनका नाम है मेरे हिसाब से संजय नाइक करके, 6-6 महीने से उन्हें कोई कंप्लेंट को रिप्लाई नहीं किया। डिपार्टमेंट कौन सा है? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ फैक्ट्री, और इसी के कारण कोई कंप्लेंट को ध्यान नहीं देने का। इन्होंने बॉयलर के अंदर जो दुर्घटना घटी, 2 एम्प्लॉय की डेथ हुई वहां के अंदर, वो डेथ नहीं, वो एक्सीडेंटली वहां पे गुजर गए, और उन्होंने कंपनी ने कहा कि ये एम्प्लॉय काम हुआ कॉन्ट्रैक्टर के थे, हमारा कोई संबंध नहीं। मैं आपको कहने जा रहा हूं, कोई भी कंपनी में अगर प्रिंसिपल कंपनी का संबंध नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्टर, हाउ द कॉन्ट्रैक्टर कैन एंटर इनटू द कंपनी? द कॉन्ट्रैक्टर इज अ पार्टी ऑफ दैट प्रिंसिपल कंपनी। जब प्रिंसिपल कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्टर को लॉन्च किया, कॉन्ट्रैक्टर को परमिशन कौन देता है? लेबर कमिश्नर परमिटेड करता है, वो आरसी बनाता है, और वहां पे दो